ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ ये धर्म भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। एए! तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरे वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्म भाई चाहिए, अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है, तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए, बाप के पास भी आए और माँ के पास भी आए, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। ए, चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए, अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के तुम्हारा सर भी। 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से सब परेशान है। सर आपसे मिलने के लिए कोई धर्मा भाई आया है। धर्मा भाई बुलाओ ना। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए बैठिए। अभी मैं आपके फॉलोअर्स की लिस्ट ही देख रहा था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। विकी भाई के किसी भी आदमी को आपने नहीं छोड़ा, उनकी ब्लैक मनी को पब्लिक के सामने लाकर वाइट कर दिया। आप बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब विकी भाई बहुत जल्द आएगा। अगर वो खत्म हो गया तो इस शहर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। सर विकी भाई को मानना है, वो कब और कहाँ आएगा और वो कैसा दिखता है ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसा दिखता है ये तो किसी को पता नहीं है, कैसे भी करके आप उसे खत्म कर दीजिए। कैसे पता चलेगा? ऐसा परेशान चेहरा, उसे में भरी लाल आंखें, अचानक ऐसे ही तेरे सामने आएगा विकी भाई। ये ऑफिस तेरा है मैं जानता हूँ, यहाँ आकर तेरी वर्दी में ही तुझे मार रहा हूँ। मेरी ताकत क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये समाज को पता चलना चाहिए। अगर मैं मारूं तो अधर्म और वो मारे तो धर्म है ना। मैं करूंगा तो सेटलमेंट, वो करेगा तो समाज सेवा। घोड़ा सर, उस धर्मा भाई के फॉलोअर्स की लिस्ट निकाल। नंद किशोर की बेटी, कलेक्टर की बीवी और ये बच्चा, इन तीनों ने फोटो लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया है। इनको अगर पकड़ लेंगे तो धर्मा भाई हमें ढूंढते हुए आएगा। उसे यही हैदराबाद में ढूंढो, मैं ही मारूंगा। इसी ने पोस्ट किया था भाई। बेटा देख उनको क्या चाहिए। ठीक है पापा, क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? धर्मा भाई चाहिए। उनके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन देखा नहीं, आप लोग भी उनके फैन हैं क्या? हम विक्की भाई के फैन हैं। बेटा बेटा मेरे बेटे को कुछ नहीं पता, मेरे बेटे को कुछ मत करना। अगर कुछ पता नहीं है तो FB पर लिखकर पोस्ट क्यों किया और उसके नाम की टी शर्ट क्यों पहनी है इसने? निकाल इसे। नहीं निकाल सकता, ये हमारी ताकत है। उसने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए दिए थे जिससे मेरी माँ बच गई। तेरी माँ की जान तो उसने बचा ली, तुझे मारेंगे तो बचाने आएगा वो? मारने की बात तो दूर, गलती से ट्राई भी मत करना। तू ट्राई करने की बात कर रहा है, तेरा काम खत्म। अरे भाई कोई धर्मा भाई बात कर रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। लाते फुंदे। अरे किधर है तू? ए हिमालय देखना चाहते हो तो हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा, हिमालय नगर में कुछ नहीं मिलेगा। अगर भाई से मिलना चाहता है तो 4 मीनार आना पड़ेगा, चाय की दुकान पे कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य लक्ष्मी नगर, 4th क्रॉस 5th बिल्डिंग, मेरा एड्रेस है, लिख ले, दम है तो आ जाना। ए तुझे मारने के लिए हम जहन्नुम में भी जाएंगे। तो आना। ए गाड़ी घुमाओ। भाई हाँ? आप धर्मा भाई को मार देंगे? हाँ क्यों? क्या है ना भाई, आज तक मर्डर सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, कभी लाइव नहीं देखा है। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ भाई? ये मर्डर है, कोई लाइव कॉन्सर्ट नहीं है। जो तू साथ चलेगा वहाँ खून बहेगा, तू डर जाएगा रे। प्लीज भाई। ठीक है आजा साथ में। ओके भाई। तूने एड्रेस दिया था ना, ले मैं आ गया। अरे भाई उन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। भाई लगता है पैर पकड़ लेगा। भाई देखो भाई आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना। ए
हम टपकाने वाले लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज करना हमारे खून में नहीं है, समझ गया भाई? अंधेरा हो गया भाई। हे, सेलफोन के टॉर्च ऑन करो, कहीं वो भाग न जाए। लाइट तो आ गई लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई ये हथियार देना, मैं जाकर धर्मा भाई की जगह खड़े हो जाता हूँ। किस लिए? दीजिए ना, मैं बताता हूँ। जब तक धर्मा भाई आते हैं हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मुझे ही धर्मा भाई समझ लो। अब अगर मैं ही धर्मा भाई हूँ तो आप मुझे कैसे मारोगे? ये तो बड़ा मजाकिया लग रहा है, जाकर बता कि कैसे मारेंगे इसे। भाई ये तो मर गया। हे, उसने मजाक किया और तूने सच में मार दिया इसे। तो क्या करो भाई, हर फिल्म में गुंडा दौड़कर हीरो पे ए करके वार कर देता है और हीरो उसे मार देता है। वैसे मैंने इसे मार दिया। तू मर्डर देखने आया था या मर्डर करने आया था? आप भी ट्राई कर लीजिए ना भाई। भाई मुझे इस पे डाउट हो रहा है, लगता है यही धर्मा भाई है। गुड बॉय, सही गेस किया, मैं ही हूँ भाई, धर्मा भाई। मुझे छोड़ दो भाई। छोड़ दूंगा, जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो बता दे। अगर आप छोड़ दोगे तो जरूर करूंगा भाई। अच्छा, क्या करेगा? वो मैं जो अच्छा काम करने के लिए इतना सोचता है वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्या हुआ भाई? अभी अभी किसी ने मुझे पिक्चर भेजी है, देख, धर्मा भाई को मारने गए सारे के सारे आदमी मार दिए गए। अब हम क्या करें? निकलो जल्दी यहाँ से, निकलो। और विक्की भाई को क्या बोलेंगे? अरे बच्चे की तो बोलेंगे ना। आप लोग विक्की भाई के आदमी है ना? आइए ना, कॉफी तो पी लीजिए। नहीं बहन, वो आपके पिताजी गुजर गए हैं ना, तो हाल चाल पूछने आए थे। अब आपसे मुलाकात हो गई तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, कम से कम कॉफी पी कर जाइए। हम बस हाल चाल पूछने आए थे, अभी हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर पियेंगे, अभी निकलते हैं। नमस्ते। तुमने बहुत दिमाग से काम लिया। अबे उसको छोड़, पहले ये पता कर कि जो कलेक्टर की वाइफ को उठाने गए थे उनका क्या हुआ। ठीक है भाई। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे फोटो वोटो आए हैं, वापस आ रहे हैं हम लोग। वो मैडम जो है ना बहुत अच्छी है, हम लोग ने उनके साथ कॉफी पिया, सेल्फी ली। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग रास्ते में है अभी। अच्छा भाई, मुझे एक डाउट है, एक फोटो भेज सकते हो क्या? तू ये सब छोड़ और जल्दी से वापस आ। अरे यार, हम तो भाई को फोटोज के बारे में बताने आए थे, भाई तो पहले से ही परेशान है। क्या हुआ भाई?
भाई के सारे के सारे अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ सीज हो गए हैं। एक बात बताओ भाई, सॉफ्टवेयर और फिल्म वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब